फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ आज गुपचुप अजमेर पहुंची और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जियारत करके दुआएं मांगी। काले रंग का बुरका ओढ़कर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर पहुंची कटरीना कैफ मीडिया की नजरों से बच नहीं पाई। कटरीना ने ख्वाजा के दरबार में मखमली चादर भी चढ़ाई। कटरीना कैफ की यहां अटूट आस्था है, तभी तो कटरीना की कोई भी फिल्म रिलीज हो उसकी कामयाबी के लिए वो यहां आकर मन्नत मांगना नहीं भूलती। परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई जो उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाई है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, मैं साफ और मैं सवाल को दोहराऊंगा, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुद्ध पड़ोसी गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुद्ध को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी के वजह से वो मजार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है, जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। You can pray for them, not to them. मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम अज कम 25 आयते है जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो। आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो सूरह निसा में है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116, इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है, बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे। तो अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफी कर, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे,
शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं, सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप किसके जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे, उस खालिक को गाली देंगे, तो उसके अहकाम पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए